गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे, अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आती है इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी। इसमें भी हम लोग तीन तरह के सेंटेंस को पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, पहले is, r, m, plus v, plus ing, v यानी verb और ing, verb में ing। ये negative का structure, subject R, M, के बाद नॉट यूज होता है, प्लस वर्ब होता है और उसमें आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर निगेटिव का हुआ। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में पहले इस आर एम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई एम जी सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप्स। सेकेंड आप वो जिसमें जो है क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड को हम डब्ल्यू एच से डिनोट कर रहे हैं। डब्ल्यू एच यानी क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद एस आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट। ये रहा तीन टाइप के सेंटेंस और तीनों के स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। अब हम बारी बारी से तीनों पे एक एग्जांपल लेकर के इसको समझेंगे। अफर्मेटिव पहला एग्जांपल पहले काम ले रहे हैं। ट्रांसलेशन के लिए हिंदी एग्जाम्पल भी लेते हैं, हम हिंदी को जो है ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। पहले जैसे मैंने लिखा कि मैं लिख रहा हूं, अच्छा पहचानने के लिए इंग्लिश में तो इज एम आर ये जरूरी वर्ब आप देखते हैं और वर्ब आईएनजी होता है तो हम पहचानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन हिंदी में ये जो आपका सेंटेंस होता है वाक्य होता है, वाक्य के अंत में ये पाया जा रहा से रहा हूं इसमें आया है,
या रही हूँ या रहे हैं, इस तरह के आते हैं तो हम पहचानते हैं कि ये हिंदी वाला जो वाक्य है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ओके, तो इसको बनाने में स्ट्रक्चर लिखा है, सीधा सीधा इसके जो है रख देना है बस। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई। इसके बाद अगली बार आपको लगाना है इस एम आर तीनों में से कोई एक। तो आपको बताया गया है कि इस आर एम एम, तो आई के लिए एम यूज होता है, इसलिए आई के साथ हम क्या लिखेंगे, आई एम। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि आईएनजी जोड़ना है, तो राइटिंग हो जाएगा, आईएनजी जोड़ेंगे तो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, इसका ट्रांसलेशन बन गया ये। इसी तरह अगर सब्जेक्ट के रूप में यू आता है तो यू यू के साथ आर यूज करेंगे, यू आर राइटिंग हो जाएगा। और इस जैसे वह लिख रहा है अगर रहे तो ही के साथ यूज करेंगे, ही इज राइटिंग हो जाएगा। अब इस वाक्य में आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको छोड़ दे रहे हैं। अगर इसमें ऑब्जेक्ट रहता कि मैं पत्र लिख रहा हूं, यहाँ पे अगर पत्र रहता मैं पत्र लिख रहा हूं तो हो जाता ऑब्जेक्ट इसमें शामिल, आपको रहता आई एम राइटिंग लेटर। ओके, अब सेकंड निगेटिव के बारे में देखेंगे। निगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल रखने देते हैं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर पे सीधा रखते जाएंगे, सब्जेक्ट पहले कह रहा है तो सब्जेक्ट आई, आई के साथ एम यूज करेंगे, आई एम। इसके बाद वर्ब, इसमें खबर पर यूज करेंगे, राइट हो जाएगा। और इसमें आई एनजी जोड़ने के लिए कराया था, आई एनजी जोड़ देंगे तो राइटिंग हो जाएगा, आई एम राइटिंग। निगेटिव है ना, आई एम नॉट राइटिंग। ये मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। इसी तरह अगर यू रहे सब्जेक्ट के रूप में, यू रहे तो एम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर ही रहे सब्जेक्ट के रूप में वह के लिए ही, तो ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। थर्ड पे चलेंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मैंने दो बताया था, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप में आपका हिंदी देखिए एक एग्जांपल, फर्स्ट टाइप में पहले आता है क्या, मैं पत्र लिख, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, हिंदी में देखें तो क्या वर्ड,
ये क्या जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये जो है आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है, शुरू में ही आता है। ये जब शुरू में आता है तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसका जो है इंग्लिश हम नहीं यूज करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि जो इस सेंटेंस का एक्जिलरी वर्ब होता है, चाहे किसी भी सेंटेंस में हो, टेंस में हो, तो उसकी उस टेंस की एक्जिलरी वर्ब को इस क्या वर्ड के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि इसमें क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। इसमें बताया गया है कि इज एम आर तीनों में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो क्या के लिए इन तीनों में से हम कौन सा लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो सब्जेक्ट पहले देखेंगे क्या है, आई मैं, तो मैं के लिए अभी बताया कि एम यूज करेंगे, मैं के लिए एम यूज करेंगे। तो एम को हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही रखेंगे एम, ठीक है। तो एम हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट कर रहा है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं के लिए आई यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद वर्ब यूज करना है, वर्ब क्या है इसमें, लिखना, राइट, और आई जी जोड़ना है, आई जी मैंने जोड़ दिया, राइटिंग हो जाएगा, एम आई राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कह रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें का क्या है, पत्र, राइटिंग, एम आई राइटिंग लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइप। इसी तरह अगर सब्जेक्ट के रूप में यू है तो यहाँ एम की जगह पे हम आर यूज करेंगे, आर यू राइटिंग लेटर। अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई थर्ड पर्सन रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज यूज करेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट टाइप रहा। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, यानी इसको हम देखते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल। अब जो वही क्या शब्द, मैं क्या लिख रहा हूं, अब इसमें क्या है, वही ये जो क्या वर्ड है, ये जो स्टार्टिंग में आया था अब कहां आ गया है, सेंटेंस के बीच में आ गया है। तो अब इसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, है ना। डब्ल्यूएच जो लिखा है मैंने उसको डिनोट किया, बताया है कि क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो भी हमारा हिंदी वर्ड सेंटेंस है उसमें जहां भी इंट्रोगेटिव वर्ड है उसकी अंग्रेजी को ये डिनोट कर रहा है डब्ल्यू एच, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें क्या है, तो ये क्या है, क्या है, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, क्या अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट होती है। तो व्हाट वर्ड को मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारा बता रहा है। ये डब्ल्यू एच से डिनोट मैंने क्यों किया है, इसलिए कि सामान्यतः कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसकी अंग्रेजी जो है डब्ल्यू एच से ही शुरू होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने वर्ड लिखा क्या की अंग्रेजी, तो ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है, या वेयर लिखेंगे डब्ल्यू एच से शुरू होगा, तो इसलिए मैंने डब्ल्यू एच से इसको डिनोट किया है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो उसको जो है हम स्टार्टिंग में रखते हैं, और उसके बाद स्ट्रक्चरों को बस ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया है इसको बस फॉलो करते जाना है हमें। इसके बाद इस एम आर यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई के लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। तो व्हाट एम, इसके बाद कर रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में रखना है क्या, रखना है आई, एम के लिए, तो व्हाट एम आई
इसके बाद क्या कर रहा है, वर्ब रखना है राइट, और इसमें आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी जोड़ दीजिए, व्हाट एम आई राइटिंग, मैं क्या लिख रहा हूं, व्हाट एम आई राइटिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं सेकंड टाइप का, या तुम क्यों दौड़ रहे हो, तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले इसने इंट्रोगेटिव वर्ड को ढूंढना है, इंट्रोगेटिव ढूंढिए, मिल गया, क्यों, तो क्योंकि अंग्रेजी को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे क्या, Why? इसके बाद क्या कर रहा है, इस एम आर को यूज करना है, और इस एम आर तीनों में से किसको हमें रखना है, वो किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो यू के लिए हमें क्या यूज करना है, शुरू से यूज करते आ रहा है, यू के लिए आर यूज करना है, तो वाई आर, इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा यू है, यहाँ पे आ जाएगा इसकी अंग्रेजी, तो वाई आर यू, तीन आ गया, Y R U। अब इसके बाद क्या कर रहा है, सेक्शन को बस फॉलो करना है, वर्ब, वर्ब में आई एन जी, तो वर्ब हमारा इसमें क्या है, दौड़ना, दौड़ना की अंग्रेजी रन, ठीक है, आई एन जी से जोड़ने को कर रहा है, आई एन जी हम जोड़ देंगे, ये हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसको छोड़ देंगे, तो व्हाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो, तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक टाइप का और इसमें आता है सेंटेंस, उसको आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन बता देता हूँ आपको, इस तरह का, जैसे कि वह किसकी पुस्तक पढ़ रही है, ये सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव में तो थर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और इसकी लिए स्ट्रक्चर मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ये तो रहेगा ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड के लिए डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखा है, और इसके साथ इसमें चेंजिंग क्या आ जाएगा, एक नया चेंजिंग ये आएगा कि इसके बाद डब्ल्यू एच के बाद जो है हमारा यहाँ पे नाउन वर्ड आता है, डब्ल्यू एच प्लस नाउन, इसके बाद सब वही रहेगा, एस एम आर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहा थर्ड टाइप का। अब ये एग्जांपल मैंने लिया है, इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, तो हमें बस स्ट्रक्चर पे जो है स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना है बस, तो इसमें लिखा गया है भाई WS, यानी कि जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है उसकी अंग्रेजी, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या बन रहा है, किसकी, किसकी की अंग्रेजी क्या होगी,
हुज होता है, हुज। तो पहले हमें इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है, मैंने लिख दिया। इसके बाद नाउन कर रहा है, नाउन वर्ड क्या है, पूछता। यानी इस तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं, किसका, किसकी, किसको या कौन सी, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, ये हमेशा जो है किसी न किसी नाउन के साथ ही आते हैं, ये अकेले कभी नहीं आते। जैसे यहाँ पे अभी देखते हैं किसकी पुस्तक, ये साथ है पुस्तक, साथ है पुस्तक, क्या है नाउन वर्ड, तो किसकी पुस्तक, ये दोनों साथ ही आया है। अगर इसको हम हटा के, इसको पुस्तक को हम हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि वह किसकी पढ़ रही है, क्या किसकी पढ़ रही है, कुछ अधूरा सा लग रहा है ना, इसलिए यहाँ नाउन का होना जरूरी है। तो वह किसकी पुस्तक पढ़ रही है। तो हिंदी सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं कि ये साथ ही आया है नाउन के, इसकी पुस्तक, तो इंग्लिश में भी हमको साथ ही रखना होगा। इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी मैंने लिखा है कि डब्ल्यूएच प्लस नाउन, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ जो नाउन है वो साथ ही में रहेंगे। यानी कि हमको यहाँ पे पुस्तक की अंग्रेजी लिखनी होगी, पुस्तक की अंग्रेजी क्या होती है, बुक होती है। तो हूज बुक, ये हो गया। इसके बाद हमें जो है इस एम्बार में से कोई एक यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, वह है। तो वह के लिए इस एम्बार में से कौन सा वर्ब हम सेलेक्ट करेंगे, तो ही के लिए हमेशा सिलेक्ट करते आए हैं ऊपर से इज, तो हम इज यहां पे रखेंगे। इज हूज बुक इज, इसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, ही के अंग्रेजी लिखेंगे, वह के अंग्रेजी लिखेंगे ही। सर पेन नहीं चल रहा है, इंक है नीचे से मंगा लीजिए, सर पेन नहीं। तो हूज बुक इज ही, अब क्या कर रहा है, सब्जेक्ट तक हमारा हो गया। इसके बाद वर्ब कर रहा है, वर्ब हमारा क्या होगा, पढ़ना, पढ़ना की क्या होती है, रीड होती है। और इसमें कह रहा है आई जी जोड़ना है, आई जी जोड़ दिया, रीडिंग हो गया। हूज बुक इज, सॉरी ये रही है, देखना है, देखिए हम भी यहाँ पे टक गए तो सी होता है, यहाँ पे वह की अंग्रेजी सी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रही है, इसलिए यहाँ पे सी होगा, ही नहीं होगा। तो हूज बुक इज सी रीडिंग, इस तरह का ऐसे बनेगा। किसी को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टेंस पे। इसी तरह नेक्स्ट टेंस हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी अधूरी वर्ब हैज, हैव होती है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अफर्मेटिव का एक स्ट्रक्चर होता है
subject plus has have plus verb का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया अफर्मेटिव का। निगेटिव, निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप में पहले ही हैज हैव आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा इसके बाद, वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव वर्ब डब्ल्यू एच हैज हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड टाइप भी देख लीजिए, बता रहे हैं तो इसको भी बताते चले साथ में। डब्ल्यू एच यानी इंट्रोगेटिव वर्ड और नाउन, यहाँ पे नाउन बस आ जाता है, इसके बाद सब वही रहता है, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सारा स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए। आप एग्जांपल देखिए, बारी बारी से सबका एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक नहीं मिला तो बंद करो। पहला पहले अपन मेटी वाला देखेंगे, कोई एक किताब को लेते हैं हिंदी का, ट्रांसलेशन भी साथ साथ चलता रहेगा, ट्रांसलेशन को हिंदी इंग्लिश। मैं स्कूल गया हूँ, अब इसमें बचाने के लिए, हिंदी में बचाने के लिए गया हूं या जा चुका हूं, दोनों एक ही बात है, मैं स्कूल गया हूं या स्कूल जा चुका हूं, तो बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई मैं है आई, इसके लिए हम लिखेंगे, इसके बाद हैज है। अब यहां पे सवाल उठता है कि हैज है दोनों में से कौन सा एक्यूरी वर्ब हमें आई के लिए यूज करना है, तो आई के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, हैव, तो आई हैव हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब क्या है, गया जाना, अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, गॉन हो जाएगा, आई हैव गॉन स्कूल टू स्कूल। ठीक है, ये अफर्मेटिव। अब हम जो है सेकेंड निगेटिव पे चलते हैं। निगेटिव में सब सेम थिंग है, बस उसमें जो है नॉट आ जाता है,
जैसे उसी को मैं स्कूल नहीं स्कूल नहीं गया, या नहीं जा चुका हूं। तो सब्जेक्ट आई हैज हैव, आई के लिए हैव, इसके बाद नेगेटिव है, यहाँ पे नॉट यूज करना है, आई हैव नॉट, और थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज करना है गॉन, स्कूल सब्जेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। अब थर्ड टाइप, इसी को ध्यान से समझना है। हर टेंस में नेगेटिव में बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये सब कैसे होता है। नेगेटिव का फर्स्ट टाइप जिसमें जो है इंट्रोगेटिव वो वर्ड जो है पहले आता है। हिंदी में इंट्रोगेटिव वर्ड क्या जो है, सिर्फ क्या की बात हो रही है, क्या पहले आ जाता है, तो उसके लिए हमें जो है वो चाहे किसी भी टेंस में हो उस टेंस की एक्जिलरी वर्ब को हम स्टार्टिंग में रखते हैं। तो इसका एक्जिलरी वर्ब हैज हैव है, मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, हैज हैव को हम पहले लिखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या उसने खाना खा लिया है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, क्या उसने खाना खा लिया है, तो फर्स्ट टाइप का है। इसको देखेंगे कैसे पता लगे फर्स्ट टाइप का है कि नहीं, क्या स्टार्टिंग में आएगा। अगर क्या शब्द स्टार्टिंग में आए वो जो फर्स्ट टाइप वाला इंट्रोगेटिव होगा, और आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। तो हमें हैज हमने से कौन सा एक्जिलरी वर्ब यूज करना है यहाँ पे, इसके लिए क्या करना होगा, हमको सब्जेक्ट को पकड़ना होगा। सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, उसने, उसने की अंग्रेजी ही होती है। अगर यहाँ पे खा ली है तो सी हो जाता है, लेकिन लिया है इसलिए यहाँ पे ही होगा, ही सब्जेक्ट है हमारा, तो सब्जेक्ट ही है, इसके लिए हमें हैज यूज करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैज। अब यहाँ पे क्या वाला किस्सा खत्म, क्या का काम तमाम हो गया, क्या के लिए हमने हैज यूज कर दिया। अब क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, ये ध्यान देना है आपको, बस हैज हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज ही। अब देखिए वर्ब हमारा है क्या, इधर खाना हो गया, खा लिया, यानी कि खाना, खाना के लिए क्या होती है, ईट होती है, और ईट का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है, क्या होता है, ईट एंड ईटेन, ये पेन चल नहीं रहा है। हैज ही ईटन, अब खाना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है खाना, तो हैज ही ईटन, खाना की अंग्रेजी क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट है फूड, हैज ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया, फर्स्ट टाइप बड़ा हो गया। सेकंड टाइप को देखते हैं, अब वही वाला एग्जांपल लेते हैं,
आपने खाना कब खाया? कब खाया है? देखिए खाया है अगर नहीं रहेगा तो बात बदल जाएगी भाई, ये दूसरे टेंस में चला जाएगा। आपने खाना कब खाया ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रह पाएगा, फिर अगर है आ जाता है तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आपने खाना कब खाया है तो हम यूज करेंगे इसको सेकेंड वाला स्ट्रक्चर WS यानी इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा इसमें क्या है कब जो है क्या है इंट्रोगेटिव वर्ड है, और कब की अंग्रेजी क्या होती है when हो गया इसको when हो गया। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब भी has have में से कोई एक यूज करना है, has को सिलेक्ट करेंगे कि has को सिलेक्ट करेंगे ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा क्या है आपकी इंग्लिश क्या होती है यू होती है। तो when auxiliary verb हाँ यू है तो यू के लिए हमें auxiliary verb क्या यूज करना है, हैव यूज करना है कि हैव यूज करना है, हैव यूज करना है। आज ये दोनों के लिए हैव यूज होता है। तो यहाँ पे when have इसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे जो यू है when have you अब यहाँ देखिए खाया है वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट यूज कर चुके हैं यू, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब हमारा क्या है खाना जी इट होती है। तो लिख सकते हैं when have you eaten इसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, ठीक है। लेकिन थोड़ा अजीब सा ये लगता है eaten, इसलिए हमको हम लिखेंगे उसके लिए taken when have you taken food when have you taken food यानी आपने खाना कब लिया है या आपने खाना कब खाया है ना। यहाँ पे ईटन की जगह मैंने टेकन लिया है, आप इसको भी लिख सकते हैं है ना, लेकिन ये ईटन खाना यहाँ पे थोड़ा कुछ अजीब सा लगता है इसलिए हम टेकन लिए हैं। तो ये सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। थर्ड टाइप पे चलते हैं, थर्ड टाइप अभी मैंने बताया इस तरह के स्ट्रक्चर को, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन आते हैं, इसके बाद बाकी सब वही आता है has that subject और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद अब मैंने कहा कि आपने कौन सी पुस्तक खरीदी है यहाँ पे है का आना जरूरी है, ऊपर मैं बता चुका हूँ। हर नहीं रखेंगे तो ये जो है हमारा टेंस चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे थर्ड स्ट्रक्चर। तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड रखना है, इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा क्या है कौन नहीं है यार ना, कौन सी की इंग्रेजी क्या होती है कौन सी कहें या किस, जैसे आप किस
कक्षा में पढ़ते हैं, है ना। तो ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे कौन सी रहेगा, आपने कौन सी पुस्तक खरीदी है, तो क्या लिखेंगे, विच, विच अंग्रेजी होती है कौन सी की। पेज में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। विच इसके साथ नाउन को भी रखना है, तो नाउन क्या है हमारा, पुस्तक, तो इतना एक ही साथ में रहेगा, तो विच बुक हो जाएगा, विच बुक। अब हाँ यूज करेंगे, सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप यानी यू, विच बुक, अब यू है तो यू के लिए हैव अभी यूज किया है, तो हैव यूज करेंगे, विच बुक हैव, इसमें सब्जेक्ट रखते हैं, विच बुक हैव यू। अब इसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो विच बुक हैव यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ रखना है, वर्ब हमारा क्या है, खरीदना, की अंग्रेजी क्या होती है, बाय, और बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बट। तो विच बुक हैव यू बट, आपने कौन सी पुस्तक खरीदी है, विच बुक हैव यू बट। अब वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम जो है अब यहाँ पे अपनी क्लास का एंड करेंगे। आप लोग को जो भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, ये क्लास, ये वीडियो जो है क्लास फिफ्थ और फिफ्थ टू एट के लिए है। ओके, धन्यवाद।